अधिका सबसे पहले तो आप इस कैंपेन से जब जुड़ी तो क्या कुछ जहन में चल रहा था आपका, और हमने अभी आपने जैसा बताया कि वेगन भी आप बन चुकी हैं, ये पूरा जर्नी आप बताएंगे क्या था ये पूरी जर्नी? जी मैं बस लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी कि मुझे क्या क्या बेनिफिट्स महसूस हुए वीगन बनने के बाद, और मैंने देखा कि मेरे थॉट्स काफ़ी क्लियर हो गए, जो एंग्जाइटी या वो एक बेचैनी रहती थी वो काफ़ी कम हो गई, और बॉडी में भी मुझे दिखने लगा कि मेरे वर्कआउट्स बेटर हो रहे थे, मेरी बॉडी शेप चेंज हो गई एकदम, एंड ये सारे बेनिफिट्स देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए और लोगों को बस इतना बताना चाहिए कि आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको कोई चेंजेस महसूस होते हैं तो अच्छे चेंजेस महसूस होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, एंड पीटा की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के साथ मैं काफ़ी कनेक्ट करती हूँ, मैं जो एनिमल्स के लिए वो लोग करते हैं, और जब आप सुनेंगे कि एनिमल्स के साथ क्या क्या होता है जब आप वो जो मिल्क प्रोड्यूस कराने के लिए, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और मेरे घर में खुद एक डॉग है, और मैं समझती हूँ कि हर एक बीइंग के इमोशंस होते हैं, और किसी भी बीइंग को अच्छा नहीं लगेगा कि जब ऐसी मौत उनको मिल रही होगी, तो दैट रियली ब्रोक माई हार्ट, एंड दैट री इंस्टिल्ड माई फेथ कि मुझे इसी जर्नी पे चलते रहना, एंड जितनी भी अवेयरनेस मैं स्प्रेड कर सकती हूँ मैं करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच हमसे बात कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।